आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पॉइंटों पे बात करने वाले हैं। इसी तरह की वीडियोज और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड करें, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एक भर्ती से, तो ये है वाणिज्य कर की भर्ती और ये लखनऊ की पेपर कटिंग है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्यालय स्तर पे तैयार हो रहा है भर्ती का प्रस्ताव, सभी जोन से मांगे गए हैं रिक्त पदों की सूचना। यहाँ पे जो लिखा गया है ये है कि GST जब से लागू हुआ है तब से जब से काम बढ़ गया है उसको देखते हुए आज सरकार रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि आप ये मान सकते हैं कि चुनाव के चलते ये भर्ती आ रही है, क्योंकि GST लागू हुए करीब 3 साल हो गए हैं, लेकिन तब से अब जाके इन भर्तियों को कराने की ज़रूरत महसूस हुई है। हालांकि अगर भर्ती आ रही है तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए कुल मिला के 367 पद खाली हैं, लेकिन अगले साल 2022 तक जून के महीने तक जितने भी पद खाली होने वाले हैं उनको जोड़ करके एक नई भर्ती आने वाली है। यहाँ पे जिन भर्तियों की तैयारी हो रही है इसमें सहायक ग्रेड 1 और 2, आशुलिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A और B, और इसके अलावा वाहन चालन की भर्ती आ सकती है। सूत्रों का ये कहना है कि जोनवार रिक्त पदों की सूचना जब मिल जाएगी तो इसके लिए सीधी भर्ती का अधियाचन सरकार को भेजा जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि चुनाव के चलते किसी भी भर्ती के आने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक आपको वाणिज्य कर विभाग में क्लर्क की ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे लगभग आपको 1000 पद तक आ सकते हैं। SSC CHSL ने अपना 2018 के लिए फाइनल रिजल्ट जारी किया है। इसके लिए आपको SSC की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां जाकर आप इसके बारे में पूरी नोटिफिकेशन और अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये उसका रिजल्ट है। अगर आप चाहते हैं नोटिस देखना तो आपको SSC.NIC.IN के वेबसाइट पर आना होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 सितंबर के दिन 2 नोटिस जारी की गई है। कोई भी नोटिस पे आप क्लिक करके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे। देखिए करंट अफेयर और GK के दृष्टिकोण से ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत को एक नए सेना अध्यक्ष मिले हैं, वायुसेना अध्यक्ष, और इनका नाम है मार्शल विवेक राम चौधरी। इससे पहले जो वायुसेना के अध्यक्ष थे उनका नाम था RKS भदौरिया, अब ये सेवानिवृत्त हो गए हैं। और उसके बाद जो हमारे सेना अध्यक्ष होंगे वायुसेना के लिए, इनका नाम होगा विवेक राम चौधरी। जो वायुसेना के अध्यक्ष होते हैं उनको हम एयर चीफ मार्शल बोलते हैं। ये कारगिल युद्ध और लद्दाख में वायुसेना का भी काम देख चुके हैं। 1982 में ये बतौर पायलट भर्ती हुए थे और इनके पास लगभग 3800 घंटे का अनुभव है। राजस्थान से आने वाली पटवारी भर्ती का एग्जाम डेट आ चुका है, 23 और 24 अक्टूबर इसके लिए एग्जाम डेट रखी गई है। इसका जो एडमिट कार्ड है आपको अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको न्यूज नोटिफिकेशन में जाना होगा, और यहाँ जाकर आप उन लोगों का नाम भी देख सकते हैं जिनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है मल्टीपल सबमिशन के कारण। यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले में क्लिक करना होगा और आपके सामने एक नोटिस आ जाती है। इसमें ये कहा गया है कि पटवार सीधी भर्ती के लिए एक से अधिक आवेदन जिन लोगों ने किया है उनके द्वारा भरे अंतिम आवेदन को स्वीकार किया गया है, और उन्होंने जितने भी आवेदन भरे हैं एक को छोड़ करके बाकी को निरस्त कर दिया गया है। जितने आवेदन को निरस्त किए गए आवेदन हैं तथा स्वीकार किए गए आवेदन हैं उनकी सूची यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप इनके वेबसाइट पर जाकर इनके ईमेल आईडी पे इनको सूचित कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए किनका कौन सा फार्म एक्सेप्ट हुआ है, कौन सा रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पूरी एक सूची है लगभग 119 पेजों की, तो यहाँ पर जाकर के आपको अपना नाम सर्च करना होगा तभी आप जान पाएंगे कि कहीं आपका कोई फार्म गलती से रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। अगर आपका फार्म कोई गलती से रिजेक्ट हुआ है तो आपको इनके वेबसाइट पर जाना होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट एस पे, और यहाँ जाकर आप इनको डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं जैसे कि इस ईमेल आईडी पे, या फिर फ़ोन कर सकते हैं इस नंबरों पे। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोज और फ्री स्टडी के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड करें, डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।